हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेस। आरएम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह आज भी पांच वर्ड लेते हैं, उसका इंटरनल सेंटेंस लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। तो पहला शब्द है आज का इनइक्विटस। इनइक्विटस माने होता है अन्यायपूर्ण। तो याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, तो लॉन्ग टाइम तक याद रहें। तो इनइक्विटस, इनइक्विटस माने क्या होता है, अन्यायपूर्ण। तो याद कैसे होगा, आप इसमें से ट्रिक बनाए इनइक्विटस। इक्विटस का मतलब बना लीजिए इक्वलिटी, इनके मतलब इन्हीं कर लीजिए। तो इन लोगों में इक्वलिटी नहीं है, इसलिए ये लोग क्या है, इन इक्विटस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं हम। तो इक्वलिटी नहीं है तो इन अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब समानता नहीं रहेगी, तो वो अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे। ऐसे ट्रिक बना दीजिए, इन मतलब इन लोगों में इक्विटस मतलब इक्वलिटी नहीं है, इन लोगों में इक्वलिटी नहीं है इसीलिए ये लोग इन इक्विटस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। इन इक्विटस ढंग से व्यवहार करना मतलब अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करना। इस तरह से आप वर्ड का यूज़ करिए, उसको समझिए उसका क्या अर्थ है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, विशियस। विशियस माने अनैतिक होता है, अनैतिक व्यवहार करना, तो मतलब अन्यायपूर्ण व्यवहार करना। विकेट माने वही दुष्ट, एकदम दुष्ट किस्म का आदमी, जो तो दुष्ट किस्म का आदमी तो अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे नहीं, अन्यायपूर्ण ही व्यवहार करेगा। वहीं इसका इंटॉलरेंस की बात करें, फेयर। फेयर माने एकदम उचित ढंग से जो व्यवहार करें, यानी न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। तो इस तरह से ये एंटोनिम्स इसका हो जाएगा। अगला वर्ड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल माने होता है अजेय। अजेय किसे कहते हैं, अपराजेय, जो किसी से पराजित नहीं हुआ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है कि ए पर्सन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जीता नहीं जा सके, जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया, उसको कहते हैं अजेय या अपराजेय। सुने अजय अमर है, मतलब जीता नहीं जा सकता, जैसे देवता लोग होते हैं, बजरंग बली है, अजय उनको कहा जाता है, विष्णु है, जिस तरह से तमाम लोग का दिया जाता है। तो अब इनविंसिबल, तो इस तरह से किसी को भी आप कह सकते हो कि इसमें ट्रिक बना कि विंसिबल, विंस जीतने से रिलेटेड वर्ड है, इनविंसिबल तो जिसको जीता ना जा सके, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें ट्रिक बना कि इन्हें विन नहीं किया जाता, विन माने जीतना। तो यद्यपि विन की स्पेलिंग WIN होती है, लेकिन आप ट्रिक बनाने के लिए साउंड मैच कर रहा था, आप इसलिए बना लीजिए। इन्हें विन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये लोग क्या हैं, इनविंसिबल हैं। ठीक है, कुछ देवता हैं, कुछ किसी को भी आप कह सकते हैं कि इन्हें विन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या, इनविंसिबल हैं, अपराजेय हैं, अजेय हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा, अनकॉन्करेबल। कॉन्कर माने जीतना, अनकॉन्करेबल माने अपराजेय। अनबीटेबल, बीट माने भी पराजित करना या हराना, तो अनबीटेबल माने भी अपराजेय। इनवल्नरेबल माने भी अपराजेय। वल्नरेबल मतलब जो बहुत कमजोर आदमी, जिसको आप पराजित कर सकते हो। इनवल्नरेबल मतलब उसे पराजित नहीं किया जा सकता है, अपोजिट हो गया, अपराजेय। वहीं इंटरनम्स की बात करें तो कॉन्करेबल और बीटेबल, ये दोनों पराजय की हिंदी है। देखिए अनकॉन्करेबल, अनबीटेबल, अन हटा दीजिए, इसमें से इन हटा देंगे तो ये भी इसके इंटरनम्स हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरनम्स हो जाएंगे, पराजय की हिंदी अंग्रेजी हो जाएगी। और इरेसिबल, इरेसिबल माने गुस्सैल या तेज मिजाज, जो बहुत कहते हैं तेज मिजाज का आदमी है, गुस्सैल मिजाज का आदमी है, तो इरेसिबल उसको कहते हैं। इसमें आप आराम से ट्रिक किया बना कि इरेसिबल, तो इरेसिबल, इरेसिबल, तीन टुकड़ों में इसको पार्ट करके ट्रिक बना लीजिए। इरेसिबल मतलब इसमें बला कि रस और बल, रसबल से बना लीजिए ट्रिक। तो ये रस बिल पीकर इसमें बल आ गया है, इसलिए क्या हो गया, गुस्सैल हो गया। जैसे पहले बहुत कमजोर था तो उसको रस पिला दिया गया तो उसके अंदर बल आ गया, तो बल आ गया तो थोड़ा और रस मांग रहा था, नहीं दिया गया तो गुस्सा हो गया, गुस्सैल हो गया कि और दो। तो इस तरह से इरेसिबल, इनमें रस पीकर बल आ गया है इसलिए एक इरेसिबल हो गए हैं, मतलब गुस्सैल या तेज मिजाज हो गए। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं, हकीकत में आपको नहीं जाना है, क्योंकि टेक्निक हमारी ये कह रहे थे ट्रिक कि हमको याद होना चाहिए सच्चाई या हकीकत से नहीं मतलब। तो इसमें इरिटेबल, गुस्सैल, तेज मिजाज का जो हो एकदम चिड़चिड़ा हो जाए, उसको कहते हैं इरेसिबल। तो इरिटेबल माने चिड़चिड़ा, टची माने चिड़चिड़ा, टेस्टी माने चिड़चिड़ा, पेटुलेंट, पेटुलेंट माने भी होता चिड़चिड़ा। तो ये सारे वर्ड चिड़चिड़ा या गुस्सैल की अंग्रेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे वर्ड है ये। अब टेस्टी में आप ये ना सोचना TASTY, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट में TA रहता है। इस तरह से टची भी चिड़चिड़ा कहेंगे, जैसे जिसको टच करने से बहुत गुस्सा आ जाए उसको टच ही कहते हैं, पेटुलेंट। ठीक है, तो पेटुलेंट जिसको पेट ना भरेगा तो वो गुस्सा करेगा कि मुझको खाना क्यों ना मिले, तो पेटुलेंट माने भी गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा होता है। इस तरह से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो आराम से। इरिटेबल तो इरिटेट से बना, इरिटेट माने चिड़चिड़ा होना, तो इरिटेबल से बना। तो ये सब एडजेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटानम्स की बात करें तो गुड नेचर्ड, गुड नेचर्ड माने क्या होता है, अच्छे स्वभाव वाला। तो अच्छे स्वभाव वाला आदमी रहेगा तो सीधी सी बात है, गुस्सैल नहीं रहेगा, तेज मिजाज नहीं रहेगा, अच्छा मिजाज रहेगा। तो गुड नेचर माने अच्छे मिजाज वाला, अच्छे स्वभाव वाला। पॉजिटिव
पॉइज्ड माने होता है संतुलित या एकदम शांत दिमाग का, जो है उसको पॉइज्ड कहते हैं, संतुलित व्यवहार करें जो, मतलब बैलेंस ऑफ माइंड जिसका अच्छा रहे। तो काम माने भी शांति होता, तो ये सारे वर्ड इसके एंटोनिम्स हो गए। तो अगला है, हाँ, इटिनरेंट। इटिनरेंट माने होता भ्रमणकारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इटिनरेंट, माने भ्रमणकारी होता है। ये कभी कभी वर्ड मीनिंग मिस्टेक में भी पूछ सकता है, इटिनरेंट में आई टी ई दे देगा या ए दे देगा, तो इस तरह से इसकी स्पेलिंग याद करना, इट है फिर इन है फिर ई है आर ए एन टी, इटिनरेंट, ठीक है, आर ई एन टी भी दे सकता है, तो इस तरह से गलत हो जाता है, इसको स्पेलिंग मिस्टेक में भी याद करता है, ध्यान रखिए। इटिनरेंट माने होता भ्रमणकारी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो भ्रमणकारी किसको कहते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भ्रमण करता रहता है उसको इटिनरेंट कहते हैं, भ्रमणकारी बन जा रहा है, इस तरह से तमाम सारे वर्ड हैं इसके लिए। तो घुमक्कड़, घुमंतु, ये सारे इसकी हिंदी होती हैं। तो इसमें आप ट्रिक बना दीजिए इटिनरेंट, इट से इटली बना दीजिए ट्रिक, तो इटली का वह पूरा इटली का वह पूरा भ्रमण किया, ठीक है, इटली में पूरा घूमता रहा, तो इटली का वह क्या किया, भ्रमण किया। इटली में उसने इटिनरेंट की भूमिका निभाया, भ्रमणकारी की भूमिका निभाया, क्योंकि इटली गया पूरा घूमा पूरा। इस तरह से आप आराम से ट्रिक बना सकते हैं इटिनरेंट, क्लियर। तो इटली में वह इटिनरेंट के रूप में जो है घूमता रहा, भ्रमणकारी के रूप में घूमता रहा। अब इसे कैसे कहते हैं इटिनरेंट, इतना रेंट ना मिलने के, क्यों घूमता रहा, क्यों इटली गया, उसको रेंट मतलब भाड़ा होता है, तो रेंट कहीं भी कमरे पर रुकने लायक बहुत ज़्यादा भाड़ा था, तो क्या किया, कहा कि हम नहीं रुकेंगे, चलो घूमते रहेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे जहाँ हमको जाना है वहाँ से। तो इस तरह से अभी आप कह सकते हैं, इसे ब्रोकर्टी वाशिंगटन, रेंट भाड़ा ज़्यादा था तो कहीं रुक नहीं पाए कमरे लेकर, तो रात घूमने के लिए ही निश्चय कर लिए, तो इस तरह से भ्रमणकारी के रूप में रहे, थक गए तो सो गए, इस तरह से ये इंटरमा पड़े होंगे ब्रोकर्टी वाशिंगटन के कारण। तो 18 रेंट में आप इस तरह से कहते, इतना रेंट होने के नाते वह जो है घूमता रहा, भ्रमणकारी ही बना रहा, या इटिनरेंट होता रहा, इस तरह से आप आराम से ट्रिक बना सकते हैं। इटली में इतना रेंट होने के नाते वह इटिनरेंट के रूप में इधर उधर टहलता रहा, भ्रमण करता रहा, सेट नहीं हो पाया जल्दी। सिनोनिम्स क्या होगा, रोविंग, रोविंग माने भ्रमणकारी, नोमाडिक माने भ्रमणकारी, वांडरिंग माने वैसे घूमने वाला या भ्रमण करने वाला, वांडर मिस होता बिना देश की इधर उधर घूमते रहना, तो वांडरिंग माने भी घूमते रहना या भ्रमण करना। ये सारे शब्द का मतलब एक ही है, रोविंग, नोमाडिक, वांडरिंग, सबका मतलब भ्रमणकारी या घूमते रहने वाले से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेडेंट्री, वही है सेडेंट्री माने क्या होता है, एकदम एक जगह बैठा रहने वाला, उसको सेडेंट्री कहते हैं, एकदम सुस्त जीवन बिताना सेडेंट्री। इसे इस समय कोरोना वायरस में सब लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बहुत लोग हैं घर पर पड़े हैं तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं, ये भी इसका मतलब भ्रमणकारी का पॉजिटिव है। सेटल्ड माने क्या होता है, एकदम बस जाना, कहीं पर बसा हुआ, सेटल मतलब जो बसा हुआ रहेगा, तो सीधी सी बात भ्रमण नहीं करता रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा, इधर से उधर एक देश से दूसरे देश की भ्रमण नहीं करेगा। ये सारे इसलिए सिनोनिम्स हैं इसके, सॉरी एंटोनिम्स हैं, ठीक है, इटिनरेंट के। एंटोनिम्स में सेडेंट्री और सेटल्ड हो जाएगा, और सिनोनिम्स पे रोविंग, नोमाडिक, वांडरिंग, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। चलिए आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है एडियोसिंक्रेसी। एडियोसिंक्रेसी माने विचित्रता होता है, तो जैसे विचित्रता मतलब जैसे सभी से जो थोड़ा हट कर हो, तो उसको विचित्रता कहते हैं। सनकपन मतलब उसके अंदर कुछ अलग ही सनक सवार हो, तो सनकपन या सनक, तो सेंटर से जो हट कर हो उसको कहते हैं सनक। मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था, जैसे मानसिक प्रवृत्ति, जैसे मेंटल मानसिक मन में जो प्रवृत्ति, उसकी कुछ विशेष अवस्था है, सबसे हट कर है, उसको हम कहते हैं एडियोसिंक्रेसी, ठीक है। तो मतलब एक खास प्रवृत्ति जिसके अंदर हो, एक खास विचारधारा जिसके अंदर पाई जाती है, ऐसी विचित्रता को जो है हम एडियोसिंक्रेसी कहते हैं, विचित्रता या सनक। तो इसमें आप सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेंट्रिसिटी हो जाता है। पहले ट्रिक हम देख लेते हैं एडियोसिंक्रेसी, आप आराम से ट्रिक बना सकते हैं। एडियोसिंक्रेसी मतलब आइडियो, इडियो साउंड्स लाइक ऑडियो, तो आइडियो को लेकर बहुत से लोगों में क्या एडियोसिंक्रेसी रहती है, आइडियो को लेकर बहुत से लोगों में क्या रहती है एडियोसिंक्रेसी रहती है। देखिए सबका अपना अलग अलग विचार होता है, तो अब एडियोसिंक्रेसी विचित्रता रहती है, सनक सब में अलग अलग रहती है अपने विचारधारा को लेकर। इस समय कोरोना के लेकर इसमें सबके अलग अलग एडियोसिंक्रेसी है, विचार विचित्रता है कुछ लोगों में कि नहीं नहीं फैलेगा, कुछ लोग कहते फैलेगा, निकलना नहीं, तो इस तरह से बहुत लोग बहुत तरह की बातें होती है, अलग अलग विचारधाराएं होती है अलग अलग देशों की। कुछ लोग कहते चीन फैलाया है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका से, इस तरह से तमाम सारी बातें होती हैं। इंडिया में तमाम तरह के लोग तमाम तरह से बातें करते रहते हैं, बहुत जगह करते रहते हैं। इस तरह से एडियोसिंक्रेसी में आराम से ट्रिक बना कि आइडियो को लेकर इन दिनों विश्व भर में क्या एडियोसिंक्रेसी है, विश्व भर के लोगों में एडियोसिंक्रेसी है, विचित्रता है, सनक है, मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था है, इस तरह से आप कह सकते हैं आराम से। सिनोनिम्स की बात करें वही, तो सिनोनिम्स हो जाएगा
एक सेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक सेंट्रिक सेंटर से जो हट कर हो उसको एक सेंट्रिक कहते हैं, ये मतलब बाहर, तो सेंटर से बाहर हो मतलब क्या, वो एकदम सन की है, सनकपन है, मतलब सबके हिसाब से नहीं सोच रहा है, तो एक्सेंट्रिसिटी माने विचित्रता, यस सनकपन, तो सनकपन भी होता है एक्सेंट्रिक मतलब एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिक माने सनकी होता है, एक्सेंट्रिसिटी माने उसी से सनकपन हो जाएगा, ये स्टैक डाउन हो जाएगा। अब पिक्यूलियरिटी, पिक्यूलियर माने विचित्र होता है या विशेष होता है, तो पिक्यूलियरिटी माने विचित्रता होता है, मतलब जो सबसे खास हो सबसे अलग हो उसको पिक्यूलियरिटी कहते हैं, मतलब वही विचित्रता। टेम्परामेंट मतलब होता है मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था, उसको हम टेम्परामेंट कहते हैं, टेम्परामेंट मतलब मिजाज स्वभाव प्रवृत्ति की विशेष अवस्था, उसको टेम्परामेंट कहते हैं। इंटरनल्स की बात करें, जनरलिटी, जनरलिटी माने होता है सामान्य अवस्था, नॉर्मल, नॉर्मलसी माने, नॉर्मलसी माने भी एकदम नॉर्मल ढंग से रहना, सामान्य अवस्था से रहना, मतलब क्या सबसे हट करना रहना, जब से सब लोग हो वैसे ही रहना, तो उसको नॉर्मलिटी या जनरलिटी कहते हैं, सामान्य रूप से अवस्था, सामान्य अवस्था, विचित्र अवस्था। तो इस तरह से ये सारे वर्ड थे जो कि इंपॉर्टेंट थे परीक्षा के लिए बहुत, तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसे ही, ताकि आपको यूजफुल वीडियो समय से मिलती जाए, अपना वर्ड पावर मेरे साथ बना बढ़ाते रहे, रोज़ रोज़ की रोज़ जो है आप 20 से 25 वर्ड भी अगर तैयार करेंगे तो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। इस तरह से आप मेरे साथ बने रहेंगे, 10 से 15 मिनट ही देंगे तो आपका वर्ड पावर मजबूत होता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के पास मेरी जानकारी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।